गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास फोर्थ के लेसन नंबर सेकंड इंग्लिश सब्जेक्ट का पढ़ेंगे। इसका लेसन हमने पिछली बार एक्सप्लेनेशन देख लिया था, इसके क्वेश्चन आंसर हमें करने थे, तो हम क्वेश्चन आंसर नोट करेंगे। आप अपनी नोटबुक्स और बुक्स अपने साथ रखिए और साथ के साथ ये आंसर्स नोट करते जाइए। इसमें हमने एक कहानी पढ़ी थी एक लड़के की, और किस तरह से उसको क्या सबक मिला वो हमने देखा था, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम इसमें करेंगे सॉल्व। तो आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड विद्या लाइक टू डू, व्हाट डिड विद्या लाइक टू डू। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्या को क्या करना पसंद था। हमने लेसन के स्टार्टिंग में देखा था कि विद्या को घर के काम करना पसंद था, तो इसका आंसर लिखिए, विद्या लाइक टू डू, विद्या लाइक टू डू हाउस होल्ड वर्क, ठीक है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमें नोट करना है, व्हाट हैबिट डिड प्रफुल हैव, व्हाट हैबिट डिड प्रफुल हैव, मतलब प्रफुल की क्या आदत थी या प्रफुल को ऐसी क्या आदत थी, तो हमें लिखना है इसका आंसर। आंसर नोट कीजिए, प्रफुल हैड अ हैबिट ऑफ, प्रफुल हैड ए हैबिट ऑफ, क्या आदत थी उसको, कीपिंग हिज रूम इन मेस, कीपिंग हिज रूम इन मैस। प्रफुल की क्या आदत थी, उसकी एक बुरी आदत थी, क्या बुरी आदत थी उसकी, कि वो अपने रूम को बहुत गंदा रखता था या बहुत बिखरा हुआ सा रखता था। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, उसमें विद्या के बारे में पूछा गया था, उसका आंसर हमने लिखा। फिर सेकंड क्वेश्चन में प्रफुल की आदत के बारे में पूछा गया था, वो हमने नोट किया। अब थर्ड क्वेश्चन नोट कीजिए, व्हाट हैपेंड व्हेन, What happened when Dad shouted at Praful? Dad shouted at Praful, मतलब जब प्रफुल के फादर ने उस पर चिल्लाया, उस पर गुस्सा किया, तो क्या हुआ, तो इसका आंसर देखिए, प्रफुल वॉज वेरी अपसेट, बहुत परेशान हो गया वो, प्रफुल वॉज वेरी अपसेट व्हेन हिज डैड शाउटेड, when his dad shouted him, because क्या किस वजह से चिल्लाए थे वो, because he warned him
टू सेट हिज रूम before his returning from tour. तो जब प्रफुल्ल के फादर ने उस पर चिल्लाया, उस पर गुस्सा किया तो क्या हुआ? तो प्रफुल्ल उस बात से बहुत अपसेट हुआ, क्योंकि जब उसके पिता ने गुस्सा किया था तो उन्होंने उसको क्या कहा था कि जब वो टूर से वापस आए तो उस उनके वापस आने तक उसका जो कमरा है वो एकदम सेट हो जाना चाहिए, मतलब एकदम व्यवस्थित हो जाना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फिर नोट कीजिए. हु हेल्प्ड प्रफुल्ल. ठीक है, प्रफुल्ल की मदद किसने की थी? आंसर देखिए, तो उसकी जो बहन थी विद्या, हिज सिस्टर, ब्रैकेट में हम उसका नाम लिख देंगे विद्या. प्रफुल्ल की बहन का क्या नाम था? विद्या. तो हिज सिस्टर विद्या हेल्प्ड प्रफुल्ल. ठीक है, तो प्रफुल्ल की मदद किसने की थी? उसकी बहन थी. क्या नाम था उसका? विद्या. विद्या ने प्रफुल्ल की हेल्प की. किसमें? उसके कमरे को सेट करने में, उसके कमरे को व्यवस्थित करने में. फिर बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, नोट कीजिए. व्हाट डिड प्रफुल्ल एंड विद्या, क्वेश्चन नंबर 5 नोट कीजिए. व्हाट डिड प्रफुल्ल एंड विद्या डू ऑन सैटरडे, मतलब सैटरडे के दिन प्रफुल्ल और विद्या ने क्या किया था? तो उसके फादर लौटने वाले थे कब? संडे को. तो सैटरडे के दिन उन दोनों ने मिलकर क्या किया? आंसर नोट कीजिए इसका. On Saturday, they changed the bed sheet, the pillow covers. Even the curtains of the room. तो प्रफुल्ल ने और विद्या दोनों ने मिलकर क्या किया? संडे को उनके फादर लौटने वाले थे तो सैटरडे इवनिंग को उन्होंने क्या किया? प्रफुल्ल के रूम की बेडशीट, उसके पिलो कवर, बल्कि और साथ ही उसके कमरे के जो पर्दे थे उनको भी उन्होंने चेंज कर दिया. उससे उनका रूम एकदम अट्रैक्टिव सा दिखने लग गया था, एकदम देखने में ऐसा लग रहा था कि बहुत सुंदर सा उनको लगने लग गया था कि उनके फादर को देख कर वो रूम पसंद आ जाए, ऐसा उन्होंने उस रूम को बना दिया था. इसके बाद में हमारा क्वेश्चन आता है, रीअरेंज द सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंस दिए हुए हैं उनको हमें अरेंज करके उसका सही सेंटेंस बनाकर हमें लिखना है. तो आप पहले लाइन नोट कर लीजिए. रीअरेंज रीअरेंज द रीअरेंज द सेंटेंसेस. देखिए फर्स्ट सेंटेंस कैसे लिखा हुआ है. पहले लिखा हुआ है लाइक्ड, फिर ऑब्लिक बना रखा है, फिर लिखा हुआ है विद्या, फिर लिखा हुआ है टू, फिर है डू, फिर है वर्क,
और फिर लास्ट में है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड, ठीक है। तो इन सारे वर्ड्स को हमें अरेंज करके एक सेंटेंस बनाना है। तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसके सेंटेंस में, पहले लिख दीजिए सेंटेंस क्या बनेगा। सेंटेंस में सबसे फर्स्ट में हम लिखेंगे विद्या, फिर बाद में विद्या के बाद लिखेंगे हम लाइक्ड, फिर टू, फिर आएगा डू, फिर हम लिखेंगे हाउस होल्ड वर्क। हाउस होल्ड वर्क, तो हमारा सेंटेंस क्या बना है, विद्या लाइक टू डू हाउस होल्ड वर्क। ये हमारे ये वाली जो लाइन है हमारे क्वेश्चन के आंसर में भी हमने पढ़ी थी, तो यही लाइन पूरी हमें इसमें सही से लिखनी थी। फिर हमारा सेकंड देखिए, इसका सेकंड क्या आ रहा है, पहले लिखा हुआ है रूम, फिर डर्टी, फिर है कैप्ट, फिर है हिज और एंड में है रॉकफुल। तो इसको हमें अरेंज करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका नेम लिखना है। तो नेम किसका आ रहा है इसमें, प्रफुल्ल का, तो हम पहले प्रफुल्ल का नेम लिखेंगे। प्रफुल्ल प्रफुल्ल लिखने के बाद में लिखेंगे कैप्ट, फिर हम लिखेंगे हिज रूम डर्टी। मतलब प्रफुल्ल जो था वो अपने रूम को गंदा रखता था, तो वो हमें सेंटेंस के थ्रू इसको करेक्ट करके बना के लिखना है। तो दो सेंटेंस हमने कर लिए, थर्ड वाला नोट कीजिए। फिर थर्ड वाला हमारा है नंबर थर्ड, पहले लिखा हुआ है हेल्प्ड, फिर है विद्या, फिर लिखा हुआ है प्रफुल्ल, फिर रूम हिज क्लीन टू। इसको हमें अरेंज करना है, तो इसका आंसर देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे विद्या, विद्या, फिर सेकंड नंबर पे लिखेंगे हेल्प्ड, फिर हम लिखेंगे किसकी हेल्प की थी उसने, प्रफुल्ल, तो प्रफुल्ल, फिर हम लिखेंगे टू क्लीन His room, clean his room। मतलब विद्या ने प्रफुल्ल की हेल्प की थी किसमें, उसके रूम को साफ करने में। फिर इसका लास्ट हमारा आता है फोर्थ, फोर नंबर पे लिख लिए वार्निंग, फिर है डेड, ऑन केम और लास्ट में है संडे। तो इसका सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नोट कीजिए, ऑन संडे मॉर्निंग ऑन संडे मॉर्निंग डैड कैब, कब आए थे उनके फादर, संडे मॉर्निंग को।
तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर हमारा क्वेश्चन आ रहा है मैच द कॉलम्स। तो इसमें मैच द कॉलम्स में बीच में एक मीनिंग दिया गया है, उसके दो सेम मीनिंग दोनों साइड में दिए गए हैं। थ्री मैचेस हैं इसके अंदर, वो हमें एक दूसरे से मैच करने हैं। तो मैं जिसके सामने जिसका आंसर नोट करवाऊंगी, आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है। तीनों मीनिंग्स एक साथ लिखने हैं इसमें। आपके तीन कॉलम बने हुए ए बी सी, तो मैं ए बी सी लिख देती हूँ, आंसर जिसका जिसके सामने लिखूंगी। तो सबसे फर्स्ट में बी जो कॉलम में आ रहा है बॉयल, उसके दो मीनिंग निकल रहे हैं, उन दोनों मीनिंग को हमें इसके साथ लिखना है। तो ए के साथ में हम लिखेंगे टू हीट, ये इसका राइट मीनिंग राइट आंसर आएगा। और उस वाली साइड में सी के कॉलम में इसको मैच करने के लिए दिया है ए पेनफुल स्वेलिंग, ए पेनफुल स्वेलिंग अंडर स्किन, अंडर स्किन। फिर बाद में सेकंड में दिया हुआ है बी के ऑप्शन में है ट्रंक। बॉयल का मतलब आपको पता ही है, ट्रंक का मतलब भी पता ही है, स्वूंड भी होता है, टहनी भी होता है ना। तो देखिए ट्रंक के साथ हम मैच करेंगे एलिफेंट्स लॉन्ग नोज, एलिफेंट्स लॉन्ग नोज, ठीक है। और इस साइड में हमें लिखना है ए पार्ट ऑफ ट्री, ए पार्ट ऑफ ट्री, ठीक है। ये हमारा सेकंड वाला आंसर हो गया। फिर थर्ड में हमारा आ रहा है बेर, ए वाइल्ड एनिमल, इस साइड में हम लिखेंगे एक जानवर होता है जंगली जानवर जिसे हम भालू कहते हैं, तो वाइल्ड एनिमल। दूसरी साइड लिखा हुआ है टॉलरेट, ये इसका आंसर होगा। फिर नंबर फोर पे हमारा आता है स्टार, स्टार में हम लिखेंगे ए ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट, ए ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन द स्काई, इन द स्काई। और इस साइड में हमें लिखना है ए फेमस पर्सन, दोनों के लिए अलग अलग यूज में स्टार का यूज हुआ है अलग अलग सेंस में, तो ए फेमस पर्सन, फेमस पर्सन। और सबसे लास्ट में हमारा लिखा हुआ है नंबर फिफ्थ पे बैंक, बैंक में हम लिखेंगे शोर। फर्स्ट साइड में हमें लिखना है शोर मतलब किनारा, बैंक मतलब किनारा। और इधर हम लिखेंगे ए प्लेस वेयर मनी इज केप्ट, ए प्लेस वेयर मनी इज केप्ट, मतलब ऐसी जगह या ऐसा स्थान जहाँ पर पैसे को रखा जाता है। तो हमारा मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हो गया है। इसके हमने क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए, उसके बाद में रीअरेंज सेंटेंसेस था वो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, और फिर हमारा था मैच द कॉलम्स वो हमने कर लिया। इसमें तीनों क्वेश्चन ही थे, वो तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए। इसका लेसन एक्सप्लेनेशन हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, और इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। ये लेसन आपका पूरा कंप्लीट हो गया। फिर भी किसी क्वेश्चन को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही हो या लेसन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप सर के नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं। थैंक यू।